नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने मंजूर की श्याम मानव की चुनौती। आपको बता दें कि चुनौती देने वालों को रायपुर दरबार बुलाया है। आज रायपुर में सुबह 9 बजे से लगेगा दरबार। नागपुर की संस्था ने धीरेंद्र शास्त्री को दी थी चुनौती। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी थी। समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने दिया था चैलेंज। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने श्याम मानव को रायपुर बुलाया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां बाबा ने चुनौती स्वीकार की है और उन्होंने श्याम मानव की चुनौती स्वीकार करते हुए रायपुर दरबार में उन्हें बुलाया है। बता दें कि आज रायपुर में सुबह 9 बजे से दरबार लगेगा। नागपुर के संस्थक ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी थी, जिसके बाद बाबा को चुनौती स्वीकार है और उन्होंने उन्हें रायपुर बुलाया है। आपको बता दें कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी थी। समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने ये चुनौती दी थी, चैलेंज किया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने श्याम मानव को रायपुर बुलाया है, चुनौती स्वीकार की है। और आपको बता दें कि 9 बजे से आज रायपुर में दरबार लगेगा। चुनौती स्वीकार करते हुए आपको बता दें कि श्याम मानव को रायपुर बुलाया गया है, जहां 9 बजे से दरबार की शुरुआत होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां इस चुनौती के बाद ही लगातार गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा था और पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से फिर एक के बाद एक बिंदुवार तरीके से हर अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी गई और आज उन्होंने दरबार की बात कही है, जहां 9 बजे से दरबार की शुरुआत होगी। चैलेंज कबूल किया है उन्होंने।